हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। फ्रेंड्स, नीट 2020 का एग्ज़ाम फिनिश हो गया है और नीट 2021 का प्रिपरेशन आप सभी का चालू हो गया होगा। तो जो फिजिक्स का पेपर था इस साल का नीट 2020 का, वो काफ़ी इजी था और इस बेसिस पे आप अपना जो है नीट 2021 का एक प्लान बना सकते हो कि आप किस तरह से पढ़ोगे कि आप 140 प्लस 150 प्लस स्कोर कर सको फिजिक्स में। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कि जो नीट 2020 का पेपर था वो काफ़ी इजी था और एनसीईआरटी बेस्ड ही था और ज़्यादा थ्योरी बेस्ड था। तो देखिए, आपके मन में ये क्वेश्चन सबसे पहले बन रहा होगा कि क्या नीट 2021 का पेपर जो है वो भी ऐसा ही आएगा और जो थ्योरी बेस्ड था वैसा ही आएगा और इजी ही आएगा। तो देखिए, पिछले साल यानी कि 2019 में DGNTA जो है उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बच्चे एनसीईआरटी के लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास वैसे फैसिलिटी नहीं है कि महंगे कोचिंग्स में पढ़ सकें और फिर उनके पास ऐसा फैसिलिटी नहीं है कि वो महंगे महंगे बुक से पढ़ सकें, तो क्या उनके लिए ये फेयर होगा। तो DGNTA ने बोला, डायरेक्टर जनरल जो NTA है उन्होंने बोला कि जो नीट का पेपर होने वाला है इस साल से, वो जो है NCERT बेस्ड होगा ताकि सारे बच्चे के लिए वो फेवरेबल हो और सारे बच्चों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो आप तो इतना ध्यान रखना कि जो नीट का पेपर है वो वैसा ही आएगा जैसा अभी आ रहा है। तो इतना तो बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, आप जो नीट 2020 था उसके बेसिस पे आप प्लान कैसे बनाओगे, आपको कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अच्छे से थ्योरी पढ़ना है। तो थ्योरी आप कहाँ से पढ़ोगे? थ्योरी आपको NCERT से एकदम पढ़ना है, क्योंकि आप देख रहे होगे क्योंकि इस साल जो क्वेश्चन था उसमें से 30-35 क्वेश्चन जो थे वो NCERT से डायरेक्ट लाइन बाइज लाइन और फिर जो एक्सरसाइज और फिर इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें से था। तो आपको तो एकदम ध्यान रखना है कि NCERT ही आपको एकदम फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप NCERT पूरा पढ़ो और NCERT का पूरा एकदम सॉल्यूशन करो और उसके बेसिस पे ही अपना प्रिपरेशन करो, और उससे ज़्यादा ऊपर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। और उसके बाद आपका दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? आपका दूसरा स्टेप ये होना चाहिए कि आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बुक लोगे, या तो आप DC Pandey लो या तो आप AC Verma ले सकते हो। तो AC Verma में आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, आप DC Pandey लो, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये आप DC Pandey से क्वेश्चन सॉल्व करो, और उसमें क्या है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक तो NCERT से थ्योरी पढ़ लिए, ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको कोई एक बुक से, मैं प्रेफर करूँगा कि आप DC Pandey से करो और उससे प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जब आप DC Pandey से प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाने हैं JEE Mains के और नीट के। आपको ध्यान रखना है कि पहले तो आप नीट के लगाओगे, उसके बाद JEE Mains के लगाओगे अगर आपका हो सके तो, क्योंकि JEE Mains के लगाने से आपका एक प्रिपरेशन थोड़ा अच्छे लेवल का हो जाएगा, थोड़ा ऊपर लेवल का हो जाएगा, जो आपको फेवर करेगा आपके लेवल को एग्ज़ाम देने में। तो दूसरा स्टेप तो ये हो गया। तो आप इतना चीज़ करो, उसके बाद आपको फाइनल स्टेप क्या करना है, आपको रिविज़न पर फोकस करना है। तो रिविज़न कैसे करोगे? पहले तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्या शॉर्ट नोट्स? जब आप पढ़ रहे हो उस टाइम आपको एक बात ध्यान रखना है कि पढ़ते टाइम आप हर एक चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि आप उसके बेसिस पे आप लास्ट मंथ में, लास्ट के कुछ मंथ में रिवीजन कर सको। रिवीजन तभी होगा जब आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि लास्ट मंथ में 6-7 बार आपका एक बार पूरा फुल सिलेबस रिवीजन होना चाहिए, 6-7 बार। ये तभी होगा जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा। तो शॉर्ट नोट्स कैसे होगा? शॉर्ट नोट जब आप अभी से बनाओगे तभी आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा। इसलिए आप क्या करना है, आपको थर्ड स्टेप कि आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए रिवाइज करने के लिए। तो आपको थर्ड स्टेप में शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो बस ये तीन स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली जो है 140 प्लस स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में। तो बस आज के इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।